हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तीन कृषि कानून के विरोध में खेती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अनेकों संगठनों ने रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। किसानों की मांग है कि विधायक इस्तीफा देकर किसानों का समर्थन कर उनका साथ दें। पत्र में यही है कि सरकार ये तीनों को वापस ले, ये हमारी वोटों से जीता हुआ है तो हमारी पैरवाई करे ना। आज सरकार की जोड़ी में बैठा हुआ है, कुछ ना बोले ना कुछ जाके सरकार के लिए। आज हम रतिया हल्का के विधायक का घेराव करके बैठे हैं। आज उनसे हम ये बात का इस्तीफा मांग रहे हैं कि आप हमारी जनता के प्रतिनिधि हो तो आप इस्तीफा दो, जनता में आओ। यदि आप इस्तीफा नहीं देना चाहते तो ये जो काले कानून है, कृषि विरोधी बिजली का कानून है और गरीब किसान सबके खिलाफ है, इसको रद्द करवाने के लिए आप हस्तक्षेप करें, रद्द करवाएं। यदि आपसे रद्द नहीं होता तो जनता में आए और जनता के साथ मिलकर इस आंदोलन में शामिल। और सरकार को हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार काले कानून वापस ले, और यहाँ रतिया के विधायक से मांग करते हैं कि वो या तो अपनी पार्टी में रहकर इन काले कानूनों को वापस करवाए, और अगर वो इसकी इतनी पावर नहीं है तो वो